एक बेटी ने बनाए अपनी माँ के प्रेमी से संबंध और बेटी हुई गर्भवती। दोस्तों आखिर ऐसा क्या होता है जो यह घटना घटती है? इस घटना की पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है कर्नाटक के मैसूर की। कर्नाटक के मैसूर अंतिमा नाम की एक औरत रहा करती थी जिसकी उम्र थी 38 साल। आज से 18 साल पहले उसकी शादी हो जाती है और उसके बाद उसको एक बेटी है और उसका पति है। आज से 2 साल पहले उसकी पति की मौत हो जाती है किसी बीमारी के चलते और अब घर के अंदर अंतिमा और उसकी 17 साल की बेटी ही रहा करती हैं। दोस्तों अंतिमा के नाम बहुत सारी दुकानें थी, वो किराए पर उठा करती थी, तो उन दुकानों का जो किराया आया करता था उससे अंतिमा अपना गुजारा किया करती थी, अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी। लेकिन दोस्तों जब समय की चाल उल्टी चलती है तो बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं। इसी तरह से अंतिमा के जीवन में भी एक ऐसी घटना घटी जो कि एक तरह से अनहोनी जिसको हम कह सकते हैं। अंतिमा के पड़ोस में ही एक राकेश नाम का युवक रहा करता था जिसकी उम्र 30 साल थी। अंतिमा का पति नहीं था, मर चुका था, तो अंतिमा उस युवक से बातें करने लगती है। दोस्तों अब अंतिमा राकेश से बात करने लगती है। राकेश 30 साल का है, अंतिमा 38 साल की है। अब दोनों के बीच में बातें होने लगती हैं और उन दोनों को बातों ही बातों में प्यार हो जाता है। राकेश उनको पैसे वगैरह दे भी दिया करता है, उनका काम भी चला दिया करता है। अब राकेश रोज रोज अंतिमा के घर आने लगता है और उससे प्यार से बातें किया करता है, उसके साथ प्रेम संबंध बनाया करता है। इस बात की खबर अंतिमा की बेटी जो कि 17 साल की है उसको भी होती है। वह भी देखती रहती है कि मेरे माँ का प्रेमी आया है। धीरे धीरे अब राकेश को अंतिमा अच्छी नहीं लगती है, उससे मन भर चुका होता है। अब राकेश की नज़र अंतिमा की बेटी जो कि 17 साल की है उस पर टिकने लगती है, उससे छेड़खानी करने लगता है। और दोस्तों अंतिमा की जो बेटी होती है 17 साल की, वो अपनी माँ से कहती है कि तुम्हारा प्रेमी मुझे छेड़ता है, मुझे परेशान करता है। लेकिन जो अंतिमा थी वो अपनी बेटी को चुप कर देती है कि वो ऐसा नहीं है, ठीक आदमी है, ये है वो है, इस तरह की बातें करके वो उसको चुप कर देती है। फिर उसके बाद अंतिमा राकेश से कहती है तुम मेरी बेटी को परेशान क्यों करते हो? तो राकेश कहता है कि मैं उसे परेशान करूँगा और तुम मेरे बीच में मत आना वरना मैं तुम्हारे घर आना बंद कर दूँगा, तुम्हें पैसे देने बंद कर दूँगा। दोस्तों अंतिमा चुप हो जाती है और अब राकेश खुलेआम उसकी बेटी को छेड़खानी बेटी के साथ छेड़खानी करने लगता है। कई बार उसने 5-7 बार उसका रेप भी कर दिया है और जो अंतिमा होती है वो अपनी बेटी को चुप कर देती है और कहती है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से मामला चल रहा होता है, तभी दोस्तों अंतिमा की जो बेटी होती है उसके पेट में बच्चा रह जाता है। और जैसे बच्चा रह जाता है धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होता है। इस बात की खबर अंतिमा को लग जाती है, लेकिन बच्चा कुछ ज़्यादा दिनों का हो चुका था, वह गिरवाया भी नहीं जा सकता था। तो धीरे धीरे वह बच्चा पेट में बड़ा होता रहता है और अंतिमा की बेटी को एक नन्ही सी गुड़िया हो जाती है। दोस्तों बच्ची घर के अंदर पैदा हो जाती है तो गांव वालों को पता लग जाता है। गांव वाले उसके घर आते हैं पुलिस को लेकर और कहते हैं कि ये यहाँ पे क्या चल रहा है। दोस्तों पुलिस राकेश को अरेस्ट कर लेती है, सारी घटना उसको बताई जाती है और अंतिमा को भी अरेस्ट कर लेती है कि आखिर कुंवारी लड़की के जो बच्चा पैदा हुआ है ये क्यों हुआ है। दोस्तों उनको जेल भेज दिया जाता है। और आपके हिसाब से उन दोनों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? अंतिमा को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? राकेश को सज़ा ज़्यादा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? किसको सज़ा यहाँ पे ज़्यादा मिलनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों हमारा चैनल तिरछी बात के नाम से भी है और ये जो आप देख रहे हैं ये तिरछी बात पलवल के नाम से है। तो दो चैनल हैं, आप तिरछी बात पर भी जा सकते हैं और तिरछी बात पलवल पर तो आप ये खबर देख ही रहे हैं। हम ऐसी घटनाओं के वीडियोस बनाकर लेकर आते हैं जो कि सच्ची घटनाएं होती हैं। दोस्तों हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में वो जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।